नमस्कार प्यारे छात्रों, ये देखिए प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित क्वेश्चंस है जो एग्जामिनेशन में एसएससी सीजीएल में पूछा। चलिए इसको अपने अंदाज में ऑपरेशन करते हैं बढ़िया कंसेप्ट के साथ। देखिए कहता है क्या क्वेश्चन, 1000 अंकित मूल्य पर मूल वाली एक खास वस्तु को त्योहार सीजन के बिक्री के दौरान 20% 30% और 10% की लगातार 3 छूट के बाद बेचा जाता है। यदि कोई ग्राहक त्योहारी सीजन के दौरान इसे खरीदता है तो उसे भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगा। देखिए वस्तु का दाम 1000 टका था और कोई भी वस्तु जो अंकित मूल्य होता है वो अपने आप का 100% होता है, तो पहला डिस्काउंट दिया कितना 20%, तो भैया हुआ 80% बचा। दूसरा डिस्काउंट दिया 30%, तो बचा कितना 70%। तीसरा डिस्काउंट कितना है 10%, तो हो गया 90%। तीनों गुण डिस्काउंट दिया, ये देखिए अपने आप का 100% था। ठीक है, कोई भी वस्तु का जो सीपी होता है 100%, पहला 20% डिस्काउंट दिया था 80%, फिर 30% डिस्काउंट दिया 70%, फिर उस पर 10% डिस्काउंट दिया 90%। देखिए 2 जीरो इसका खत्म हो गया, 1 जीरो ये भी खत्म हो गया, 1 जीरो इसका खत्म हो गया, 1 जीरो ये भी खत्म हो गया, 1 जीरो ये भी खत्म हो गया, सब जीरो चल गया। अब देखिए 8 × 7 = 56, 56 × 9 कर दीजिए, 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, 5 × 50 = 50, 504 रुपया। देखिए प्यारा सा आंसर सी नंबर है। एसएससी सीजीएल में बड़ा ही रसगुल्ला टाइप का क्वेश्चन पूछा है। वीडियो अच्छा लग गया है तो लाइक कर दीजिए, अगर शेयर कर देते हैं तो समझिए मेरा किडनी उडनी सब जीत लीजिएगा।